हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन एट होम. सो चिल्ड्रन, वी विल डिस्कस अबाउट सम रीजनिंग क्वेश्चन, इंट्रोडक्शन, क्लास फोर्थ एंड फिफ्थ, चैप्टर 22, टॉपिक कोडिंग एंड डिकोडिंग. लेक्चर 1. व्हाट इज कोडिंग एंड डिकोडिंग? कोडिंग इज अ प्रोसीजर यूज टू इनक्रिप्ट अ वर्ड, अ नंबर इन अ पर्टिकुलर कोड or pattern based on some set of rules. Decoding is a procedure to decrypt the pattern into its original form from the given code. Okay children, so children, coding decoding का मतलब होता है बेटा, जैसे coding एक शब्द को encrypt करने के लिए, कोडिंग एक शब्द को इनक्रिप्ट करने के लिए उपयोग की जाने वाली प्रक्रिया है. ओके बेटा, जो किसी विशेष कोड को एक संख्या या नियमों के कुछ सेट के आधार पर पैटर्न है, कोडिंग, इसको कोडिंग कहते हैं. और डिकोडिंग क्या है बेटा? डिकोडिंग है दी गई कोड से, दिए गए कोड से पैटर्न को उसके मूल रूप से डिक्रिप्ट करने की एक प्रक्रिया है. वो डिक्रिप्ट करने की एक प्रक्रिया है. ठीक है बेटा, तो आपको इस टॉपिक को थोड़ा ध्यान से समझना है बेटा. थोड़ा सा टफ पड़ेगा आपके लिए, लेकिन आप ध्यान से देखोगे ना और समझोगे तो आप इजली इसको सॉल्व कर लोगे बेटा. यही ये इसमें वीडियो में वो सॉल्यूशन है जो कल आपको मैंने होमवर्क में दिए थे. ऑनलाइन क्लास में आपको पूछा था कि बेटा आपने 5 क्वेश्चन जो मैंने एडक्वा पर डाले थे क्या वो आपने किए? मैंने व्हाट्सएप ग्रुप पे भी डाले थे. तो बेटा ये उन्हीं क्वेश्चन से रिलेटेड सॉल्यूशन वीडियो है, लेकिन उसमें मैंने आपको सिर्फ 5 ही क्वेश्चन दिए थे, लेकिन सॉल्यूशन बताते समय इसमें मैंने आपको 6 क्वेश्चन दिए हैं. ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखना. क्वेश्चन नंबर 1 बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है? इफ इफ ग्रीन कॉल्ड रेड, रेड इज कॉल्ड येल्लो, येल्लो इज कॉल्ड ब्लू, व्हाट इज द कलर ऑफ पैरट? क्लियर? तो बेटा इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि यदि ग्रीन को रेड कहेंगे और रेड को येल्लो कहेंगे और येल्लो को ब्लू कहेंगे तो पैरट का क्या कलर होगा, तो पैरट का क्या कलर होगा, इसमें ये पूछा गया है. तो बेटा जैसे कि आप सब जानते हैं कि पैरट का कलर ग्रीन होता है, पर यहाँ पर ग्रीन को रेड का कोड दिया गया है, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी, रेड. ओके, देखो सॉल्यूशन में भी देखो, कलर ऑफ पैरट इज ग्रीन एंड ग्रीन इज कॉल्ड रेड. क्लियर बेटा? क्वेश्चन नंबर 2, इफ फ्रॉग इज कॉल्ड लिजार्ड, लिजार्ड इज कॉल्ड फिश, फिश इज कॉल्ड स्नैक एंड स्नैक इज कॉल्ड मोल, देन टू विच इज फिशरमैन रिलेटेड? क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा है बेटा? क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम है. क्वेश्चन नंबर 2 में यह पैटर्न यूज हुआ है. देखो बेटा, फ्रॉग को लिजार्ड कहा गया है, लिजार्ड को फिश, और फिश को स्नैक, और स्नैक को मोल. मोल क्या होता है बेटा? एक तिल का जानवर होता है कोई, यहां इसको ये कहा गया. यहां पर फिशरमैन का रिलेशन पूछा गया है. तो फिशरमैन यानी कि मछुआरा, और मछुआरा क्या पकड़ता है? मछली. ठीक है, यानी कि मछुआरे का रिलेशन हमें मछली से, और मछली को क्या बताया गया है? फिश को. देखिए ध्यान से देखिए, फिश को क्या रिलेशन दी गई है? फिश को रिलेशन दी गई है स्नैक की. ओके, स्नैक इज कॉल्ड मोल, स्नैक इज कॉल्ड, सॉरी, फिश इज कॉल्ड स्नैक, फिश को स्नैक कहा गया है. तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए, स्नैक. फिशरमैन इज रिलेटेड टू फिश एंड फिश इज कॉल्ड स्नैक. क्लियर बेटा, समझ में आ गया?
इसमें इसका रिलेशन ढूंढना है और रिलेशन कोड में छुपा हुआ है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3, इफ सिटी इज कॉल्ड विलेज, विलेज इज कॉल्ड फॉरेस्ट एंड फॉरेस्ट इज कॉल्ड बिल्डिंग, देन वेयर डू डियर्स लिव। क्लियर बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा है, यदि सिटी को विलेज कहा गया है और विलेज को फॉरेस्ट कहा गया है और फॉरेस्ट को बिल्डिंग कहा गया है, तो बेटा डियर कहाँ रहता है? तो यहाँ पर पूछा है हिरन कहाँ रहता है, हिरन का पूछा है। तो बेटा आप सबको पता है हिरन कहाँ रहता है, हिरन फॉरेस्ट में रहता है। और फॉरेस्ट को क्या कोड दिया गया है, फॉरेस्ट को कोड दिया गया है बिल्डिंग का। तो हमारा ऑप्शन होगा डी, हमारा राइट आंसर है, राइट आंसर है हमारा डी, बिल्डिंग। क्लियर बेटा। क्वेश्चन नंबर फोर में क्या है बेटा, क्वेश्चन नंबर फोर में बेटा का बताया गया है, इफ हाउस इज कॉल्ड हट, हट इज कॉल्ड फील्ड, फील्ड इज कॉल्ड ड्रेन एंड ड्रेन इज कॉल्ड ट्रे, देन वेयर इज फुटबॉल प्लेड। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा गया है बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया, यदि हाउस को हट कहेंगे और हट को फील्ड और फील्ड को ड्रेन कहेंगे और ड्रेन को ट्रे, तो इसमें यह पूछा गया है कि फुटबॉल कहाँ खेलेंगे, फुटबॉल कहाँ खेलते हैं? तो बेटा आप सब जानते हैं कि फुटबॉल कहाँ खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं फील्ड में, ठीक है। और फील्ड को जो कोड दिया गया है वो है ड्रेन। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी, ड्रेन। ओके, फुटबॉल इज प्लेड इन फील्ड एंड फील्ड इज कॉल्ड ड्रेन। क्लियर बेटा। क्वेश्चन नंबर फाइव में क्या है बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 में, इफ हैंड इज कॉल्ड फिंगर, फिंगर इज कॉल्ड नोज एंड नोज इज कॉल्ड टंग एंड टंग इज कॉल्ड फुट, देन विद विच डज अ मैन टेस्ट फूड। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है हैंड को फिंगर और फिंगर को नोज और नोज को टंग कहेंगे तो फुट का पूछा गया है। तो बेटा जैसे कि मतलब आप सब जानते हैं कि मैन, जो मैन होते हैं वो किस से टेस्ट करते हैं, ये तो आप सब जानते हैं कि टेस्ट हम टंग से करते हैं, और यहाँ पर जो टंग को कोड दिया गया है वो है फुट। तो हमारा राइट आंसर है डी, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, क्योंकि टंग को जो कोड मिला है वो है फुट। क्लियर। अ मैन टेस्ट द फूड बाई टंग एंड टंग इज कॉल्ड फूट। क्लियर बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 बेटा, लेकिन मैंने जो आपको क्वेश्चन दिए थे वो 5 ही थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में है, इफ अमेरिका इज कॉल्ड इंडिया एंड इंडिया इज कॉल्ड जापान एंड जापान इज कॉल्ड पाकिस्तान, देन टोक्यो इज द कैपिटल ऑफ विच कंट्री। ओके बेटा, इसमें क्या पूछा है क्वेश्चन नंबर 6 में, जैसे कि हम जानते हैं इसमें पूछा है कि टोक्यो जापान की कैपिटल है, तो इस क्वेश्चन में पूछा है पाकिस्तान को टोक्यो बोला गया है, पाकिस्तान को टोक्यो बोला गया और टोक्यो जापान की कैपिटल है, तो इसीलिए हमारा आंसर होगा बी, पाकिस्तान। टोक्यो को पाकिस्तान का कोड दिया गया है तो हमारा राइट आंसर है पाकिस्तान। टोक्यो इज द कैपिटल ऑफ जापान एंड जापान इज कॉल्ड पाकिस्तान। क्लियर बेटा, अंडरस्टूड, सबको समझ में आ गया, आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। सो बेटा अगर फिर भी अगर आपको कोई भी क्वेरी है, डाउट है, तो आप मेरे ऑनलाइन क्लास में आप वो अपनी क्वेरी सॉल्व कर सकते हो। क्लियर, थैंक यू सो मच बेटा।